एवरीवन, वेलकम टू फिजिका ट्यूब। इस वीडियो में हम शेल मॉडल पे बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच द वीडियो ऑफ शेल मॉडल विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एंड देन यू कैन चेक के आपने कितना शेल मॉडल को अंडरस्टैंड करा है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following does not support the shell structure of the nucleus? तो हमारे पास चार statement given हैं, तो इसमें से कौन सी statement जो है shell model या shell structure of nucleus को support नहीं करती? As we know कि जो shell structure है, जो shell model है, it is based upon the magic numbers, कि जो magic numbers के results हैं, they confirm that कि जहाँ जहाँ पे भी shell closure होता है जिस इस नंबर पे, दोज न्यूक्लियर आर मोर स्टेबल एंड दोज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। जैसे 2, 8, 20, 28, 50, ये मैजिक नंबर्स हैं। ठीक है, और इन्हीं नंबर पे शेल क्लोजर जो है इट टेक्स प्लेस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फॉर न्यूक्लियर विद प्रोटोन और न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू मैजिक नंबर्स। तो अगर प्रोटोन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर मैजिक नंबर के इक्वल होगा देन न्यूक्लियर विल बी मोर स्टेबल, दिस इज करेक्ट। सेकेंड इज लोअर अबंडेंस ऑफ न्यूक्लियाई विद प्रोटोन और न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू मैजिक नंबर। सो अगर प्रोटोन या न्यूट्रॉन नंबर मैजिक नंबर के इक्वल होगा देन द न्यूक्लियाई विल हैव द लोअर नेचुरल अबंडेंस, दिस इज इनकरेक्ट। क्योंकि जो न्यूक्लियाई का प्रोटोन या न्यूट्रॉन नंबर मैजिक नंबर के इक्वल होता है दे हैव मोर नेचुरल अबंडेंस एज कम्पेयर टू द अदर न्यूक्लियाई, बट यहाँ पे लो नेचुरल अबंडेंस लिखा है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियाई हैं विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर्स इक्वल टू मैजिक नंबर्स आर स्फेरिकल इन शेप, दिस इज करेक्ट। क्योंकि जो न्यूक्लियस होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं दे हैव मोर स्टेबिलिटी और उनका क्वाड्रपल मूवमेंट जीरो होता है, और जो न्यूक्लियाई का नंबर जो है प्रोटॉन नंबर इक्वल टू मैजिक नंबर होता है दे आर मोर स्टेबल, इट मीन्स दे आर अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है न्यूक्लियाई विद प्रोटोन और न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू वन ऑफ द मैजिक नंबर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो भी न्यूक्लियाई का प्रोटोन या न्यूट्रॉन नंबर 2, 8, 20, 28 मैजिक नंबर के इक्वल होता है दे हैव मोर नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप मीन्स कि जेड सेम रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं एन इट विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल अ न्यूक्लियस विद एन इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एन इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैज़। तो हमारे पास जो गिवन है दैट इज इवन इवन न्यूक्लियस, जेड इवन है एंड एन इवन है, एंड हमें बताना है कि उस न्यूक्लियस का स्पिन एंड पैरिटी क्या होगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस है इवन इवन है, तो कोई भी न्यूक्लियस आपके पास गिवन होगा उसकी अगर टोटल पैरिटी निकालनी है दैट इज इक्वल टू -1/L, और एल आई लिखा है, मींस हर एक पार्टिकल का पैरिटी जो है उसको कंसीडर करके मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ द नेट पैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो जितने भी गिवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे लास्ट स्टेट में, इवन इवन न्यूक्लियस है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल P3/2 स्टेट है और यहाँ पे इवन इवन न्यूट्रॉन्स हैं चाहे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, अगर वो इवन इवन है, सपोज चार प्रोटॉन्स हैं, तो इट मींस कि जो स्पिन हो जाएगी, टोटल स्पिन कैसे निकालेंगे, अप डाउन, तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। इट मींस इवन इवन न्यूक्लियस विल हैव ज़ीरो स्पिन। ठीक है, तो ऑप्शन ए या सी में से कोई आंसर आएगा, बी एंड डी रॉन्ग है। एंड पैरिटी निकालनी है तो जो इवन इवन न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पे चार न्यूक्लियॉन्स हैं चाहे प्रोटॉन्स चाहे न्यूट्रॉन बोल दो, तो -1/L करेंगे, L है पी के लिए, L होता है 1, आपको पता है, तो हर एक प्रोटॉन के लिए L कितना हो गया 1, तो -1/1 जब ऐसे करेंगे हम तो टोटल जो होगा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू +1। ठीक है, चाहे ये स्टेट जो है पी है, मतलब जिसका एल ऑड आएगा, चाहे यहाँ पे डी स्टेट हो जिसका एल इवन होता है दैट इज इक्वल टू 2, चाहे एफ जो मर्जी स्टेट आए, जब हम हर एक पार्टिकल के लिए एल देखेंगे
और सिंगल पार्टिकल के लिए पैरिटी आएगी माइनस वन पावर एल, और सब पार्टिकल्स के लिए कंसिडर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. सो एन इवन इवन न्यूक्लियस विल ऑलवेज हैव जीरो स्पिन एंड पॉजिटिव पैरिटी. तो उसकी पैरिटी जो आएगी इवन इवन न्यूक्लियस की, दैट इज़ इवन ऑलवेज. ठीक है, तो कोई भी आपको क्वेश्चन आता है जिसमें इवन इवन न्यूक्लियस की बात करी जाए तो उसके लिए स्पिन जीरो होती है और पैरिटी पॉजिटिव होती है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द न्यूक्लियाई, यहाँ पे न्यूक्लियाई गिवन है कैल्शियम है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड दिस इज क्लोरीन 17. ठीक है, विल हैव जीरो एंगुलर मोमेंटम इन द ग्राउंड स्टेट. ठीक है, ये दोनों कार्बन नहीं हो सकते, ये 17 वाला क्लोरीन होगा. तो यहाँ पे मैं बता रहा है कि जीरो एंगुलर मोमेंटम किसका होगा. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी है कि जो इवन न्यूक्लियस होगा, इवन इवन, उसका एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी है पॉजिटिव होगा, एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा. तो यहाँ पे अगर हम चारों न्यूक्लिय देखें, इट विल हैव ई ऑड प्रोटोन एंड ऑड न्यूट्रॉन, इट इज हैविंग जो जेड है पॉजिटिव है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो जाएंगे, ऑड आ जाएगा. सो दिस इज ऑड इवन न्यूक्लिय. यहाँ पे भी जी जो आपका है जेड इज इक्वल टू 17 है और जो एन है दैट इज इवन 18. सो दिस इज ऑल्सो ऑड इवन. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, दिस इज इवन इवन एंड द रेस्ट ऑफ द गिवन न्यूक्लिय आर ऑड इवन और ऑड ऑड. तो हमें बताना है कि जीरो एंगुलर मोमेंटम किसका होगा. सो दिस इज फॉर श्योर कि जो भी इवन इवन न्यूक्लिय होगा उसका एंगुलर मोमेंटम जे जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. सो जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल द स्पिन पैरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन 18 न्यूक्लियस इज. यहाँ पे ऑक्सीजन 18 की स्पिन एंड पैरिटी निकालनी है. तो स्पिन पैरिटी जो आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो गिवन न्यूक्लियस है इट हैज जेड इज इक्वल टू 8 एंड एटॉमिक मास है 18, जेड इज इक्वल टू 8 आ गया और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 10. सो इट इज इवन इवन न्यूक्लियस. यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि ये स्टेटमेंट यहाँ से आप याद कर लो कि जो इवन इवन न्यूक्लिय होंगे उनका जेपी होगा जो एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी दैट इज जीरो प्लस ऑलवेज. इवन ऑड जो होगा वहाँ पे जेपी इज गिवन बाय द अनपेड न्यूक्लियन. जो भी अनपेड न्यूक्लियन बचेगा उसका जो जे वैल्यू आएगा दैट इज जे. एंड पैरिटी कहाँ से निकालेंगे, जो अनपेड न्यूक्लियन होगा उसका एल देखेंगे क्या आएगा, माइनस वन पावर एल करेंगे दैट इज पैरिटी. और ऑड न्यूक्लियाई जो ऑर्डर हैं उनके केस में क्या होगा कि क्योंकि दोनों ऑड हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन एग्जांपल्स हैं. तो ये पहली एग्जांपल ऑक्सीजन की है, यहाँ पे ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो टोटल जे जीरो हो गया और पैरिटी पॉजिटिव हो गई. ठीक है, नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटोन्स हैं 7 है, ये वाले ये अनपेड चला गया, ये सारे पेड हो गए. ठीक है, तो प्रोटोन जो है कौन सी स्टेट में गया है, यहाँ पे पी हाफ. तो यहाँ पे इसमें देख लो स्टेट में दिस इज जे वैल्यू. ठीक है, जो हमें ये नोटेशन पता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन, ये जे होता है. तो यहाँ पे इसका जे आएगा हाफ और इसके स्टेट के लिए क्योंकि ये पी स्टेट है तो एल कितना होता है पी स्टेट के लिए 1, तो माइनस वन पावर 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 1, तो नेगेटिव पैरिटी आएगी. तो इसका जे पी वैल्यू होगा 1/2 नेगेटिव. और जो थर्ड केस है जो ऑड ऑड है उसमें हम दोनों न्यूक्लियन देखेंगे, तो जो प्रोटॉन है यहाँ पे ऑड हो गए और न्यूट्रॉन भी ऑड हो गए, तो दोनों का जे वैल्यू देखेंगे दोनों का, क्योंकि ये स्टेट है 1p 3/2, तो जे पी मतलब प्रोटॉन का जे जो है 3/2 आएगा, न्यूट्रॉन का 3/2 आएगा. और इसका जो आंसर आएगा टोटल जे वैल्यू, इट विल लाई बिटवीन जे पी माइनस जे एन मॉड टू जे पी प्लस जे एन. मीन्स अगर ये नेगेटिव भी आ जाए तो हमें टोटल पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना है. सो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब माइनस करेंगे 0 आएगा और जो ऐड करेंगे तो 3 आएगा. सो जे जो वैल्यू है इट विल टेक 4 वैल्यूज 0 से लेके 3 तक, 0, 1, 2, 3. ठीक है, विद इवन विद डिफरेंस ऑफ 1 होता है, तो 0, 1, 2, 3 तीन वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे. और जो पैरिटी आएगी दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस वन पावर एल इंटू माइनस वन पावर एल एन. तो जो ये वाली स्टेट है प्रोटोन की, इसके लिए एल कितना है हमें पता है, पी स्टेट है तो 1 आएगा, तो प्रोटॉन के लिए जो है इसको एल पी लिखेंगे 1 आ गया. और एल एन जो आएगा दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1. तो जब माइनस 1 पावर 1 इंटू माइनस 1 पावर 1 दोनों को प्रोडक्ट
करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मींस पॉजिटिव पैरिटी। सो इस ऑर्डर न्यूक्लियस की पैरिटी पॉजिटिव है जो गिवन है, और इसकी जे वैल्यू जो है, ये इसकी चार वैल्यूज हैं, और इसमें से ये वाली जो है, दिस इज़ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ जे पी फॉर द ऑर्डर न्यूक्लियस। तो ऐसे जो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसी चीज़ को लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इस केस में जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी, क्योंकि ये इवन इवन न्यूक्लियस है, एंड इवन इवन न्यूक्लियस का हमेशा एक ही आंसर आएगा, दैट इज़ जीरो प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल लास्ट न्यूक्लियन, यहाँ पे न्यूक्लियन आएगा, ऑफ ऑक्सीजन 17, ठीक है। वहाँ पे प्रीवियस केस में ये 18 था, अभी दूसरा आइसोटोप है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 817 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसमें हमें बताना है कि इसका जे पी वैल्यू क्या आएगा, और यहाँ पे देख लो कि जो जेड है नंबर ऑफ प्रोटोन्स हैं दैट इज इक्वल टू 8, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज इक्वल टू 9। तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्योंकि ऑड इवन न्यूक्लियस है तो यहाँ पे इसकी स्पिन पैरिटी कौन डिसाइड करेगा, जो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड हैं, यहाँ से हम इसकी स्पिन पैरिटी निकालेंगे। सो लेट अस राइट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन। तो यहाँ पे टोटल 9 न्यूक्लियन हैं। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। 1s हाफ में 2 न्यूक्लियन आएंगे, मीन्स यहाँ पे न्यूट्रॉन बोलेंगे हम, 2 न्यूट्रॉन आएंगे, फिर 4, फिर 2, एंड लास्ट शेल में आएंगे ओनली 1 न्यूट्रॉन। तो यहाँ से हम निकालेंगे स्पिन एंड पैरिटी। तो यहाँ पे जे की वैल्यू ये वाली होती है, जे आएगा 5/2, और इस स्टेट के लिए, डी स्टेट के लिए एल की वैल्यू होती है 2। तो पैरिटी कैसे निकालेंगे, -1/L करेंगे। सो -1/2 जब करेंगे वी विल गेट आंसर +1, इट मींस द पैरिटी इज़ पॉजिटिव एंड जे वैल्यू इज़ 5/2। तो जे पी अगर हम लिखेंगे इट इज़ 5/2 प्लस, तो ये वाला आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैजिक नंबर। सो वी नो द मैजिक नंबर अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल आर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 and so on। और यहाँ पे देखेंगे हम 8 मैजिक नंबर है, 20 है, 82 है, एंड 58 इज नॉट अ मैजिक नंबर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज शेल मॉडल वॉज सुजेस्टेड बाई, सो शेल मॉडल वॉज सुजेस्टेड बाय मारिया मेयर, एंड शी रिसीव्ड नोबल प्राइज इन 1963 फॉर द प्रपोजल ऑफ शेल मॉडल। जो अदर ऑप्शंस गिवन हैं, बोहर ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज करा था, रदरफोर्ड हैज़ प्रपोज दैट देर इज़ अ न्यूक्लियस इनसाइड द एटम एंड विद द हेल्प ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड आइंस्टाइन हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो शेल मॉडल के लिए जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन शेल मॉडल प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, प्रोटोन्स एंड प्रोटोन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, और न्यूक्लियंस डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। सो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट दैट इज़ ऑप्शन सी। जो न्यूक्लियंस होते हैं मीन्स प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं इन अ न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल दोज न्यूट्रॉन्स डू नॉट इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड दे आर इंडिपेंडेंट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। सो इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट विल बी द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी ऑफ टाइटेनियम 47। हमें अभी पहले देखना है कि दिस इज़ एन इवन ऑड न्यूक्ली, जेड इज इक्वल टू 22 है, नंबर ऑफ प्रोटोन्स 22 हैं, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 25। सो इट मीन्स कि जो इसकी स्पिन पैरिटी है दैट इज़ डिसाइडेड विद दिस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल। सो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द न्यूट्रॉन्स, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लास्ट शेल है दैट इज़ F7/2, वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 5, और यहाँ से ही हम स्पिन पैरिटी निकालेंगे। तो जो एंगुलर मोमेंटम जे आएगा दैट इज़ इक्वल टू 7/2 हेयर, एंड जो पैरिटी है दैट इज़ डिसाइडेड बाय दिस लास्ट शेल। लास्ट शेल के लिए एल जो है दैट इज़ इक्वल टू, एस के लिए 0 है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, तो एफ के लिए हो गया एल इज इक्वल टू 3, एंड पैरिटी जो होती है दैट इज़ -1/L, और एल क्योंकि ऑड है तो पी नेगेटिव आ जाएगा। सो इट मीन्स के जो स्टेट बनेगी दैट इज़ 7/2 नेगेटिव। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज अ क्लोज्ड शेल न्यूक्लियस। तो क्लोज्ड शेल न्यूक्लियस कहाँ क्या होता है कि जिस भी नंबर के लिए शेल क्लोजर टेक्स प्लेस उसको हम क्लोज्ड शेल न्यूक्लियस बोलते हैं। और हमें पता है कि न्यूक्लियस के केस में जो शेल क्लोजर है इट टेक्स प्लेस एट द मैजिक नंबर्स लाइक 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास गिवन न्यूक्लियाई हैं वहाँ पे अगर ये वाला नंबर जो उनका जेड है मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड एन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इफ़ दैट इज इक्वल टू एनी ऑफ दीज नंबर्स इट मींस दैट शेल क्लोजर इज टेकिंग प्लेस इन दैट केस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में देख लो जेड 8 है एन 8 है तो दोनों ही मैजिक नंबर हैं मीन सो ऑक्सीजन इज अ क्लोज्ड शेल न्यूक्लियस। कैल्शियम के लिए देख लें यहाँ पे जेड 20 है एन 20 है बोथ आर मैजिक नंबर्स इट इज़ ऑल्सो डबली मैजिक न्यूक्लियस और इसको भी हम क्लोज्ड शेल न्यूक्लियस बोलेंगे। कैल्शियम का जो दूसरा आइसोटोप है 2048 यहाँ पे जेड 20 है एन 28 है अगेन बोथ आर मैजिक नंबर्स सो दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड शेल न्यूक्लियस। सो इट मीन्स जो आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन डी ऑल द थ्री आर क्लोज्ड शेल न्यूक्लियस। तो क्लोज शेल न्यूक्लियस का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो उसमें जेड एंड एन है दे शुड बी इक्वल टू द मैजिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द शेल मॉडल ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। दिस इज रॉन्ग क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं न्यूक्लियस के अंदर और शेल मॉडल जो है इट डिफाइंस द न्यूक्लियस और शेल मॉडल जो है ये एक न्यूक्लियर मॉडल है। एंड बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर अगेन इट इज़ रॉन्ग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। सी ऑप्शन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड डी इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डू नॉट इंटरेक्ट एट ऑल। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। हमने पहले ही बात करी है कि जो शेल मॉडल है इसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियंस होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। दिस इज़ वन ऑफ द अजम्पशंस फॉर द शेल मॉडल। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पी बी 82206, 82207 एंड 82208R। तो ये जो तीनों है यहाँ पे जेड की वैल्यू सेम है दैट इज 82 एंड ए डिफर कर रहा है मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन डिफर कर रहे हैं। सो जो भी न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें जेड सेम रहता है और एन डिफर कर जाता है दोज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटोप्स। सो दीज थ्री आर आइसोटोप्स ऑफ लेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स जो हैं दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय शेल मॉडल। तो जैसे शेल मॉडल जो है इट इज एनालॉजी ऑफ एटॉमिक मॉडल गिवन बाय बोहर। अकॉर्डिंग टू बोहर इन एन एटम देर इज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड देर आर इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर टू नेक्स्ट शेल में 8 हो जाएंगे देन 8 देन 18 देन 18 एंड सो ऑन एंड वी कैन डिफाइन मैजिक नंबर्स फॉर द एटम ऑल्सो। तो अगर ये नंबर 2 हो जाएगा या फिर 2 प्लस 8 10 हो जाएगा या फिर अगेन 8 ऐड कर दो 18 इसमें फिर से 18 ऐड कर देंगे दैट इज़ 36 एंड फिर से 18 ऐड कर देंगे तो 54 एंड सो ऑन। तो ये वाले जो नंबर हैं दीज आर द एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। तो जो जो एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस नंबर्स के इक्वल हैं वो वाले एलिमेंट्स जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंड दे आर लीस्ट इंट्रैक्टिव और इसको हम बोल देते हैं मैजिक नंबर्स फॉर द एटम्स। सिमिलरली शेल मॉडल में भी हम मैजिक नंबर्स डिफाइन करते हैं जो हम अभी तक कई बार मैं बोल चुकी हूँ ठीक है। तो ये जो मैजिक नंबर्स हैं जो वाले न्यूक्लियस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटोन मैजिक नंबर के इक्वल होते हैं दे आर मोर स्टेबल। तो अगर यहाँ पे ये वाले नंबर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को या शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिमिलरली न्यूक्लियस के केस में भी ये वाले नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं दैट दोज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स एंड दैट इज़ वाई वी कैन से कि एनर्जी लेवल्स दे वर इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ शेल मॉडल। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल ऑप्शन ए न्यूक्लियंस मूव इंडिपेंडेंटली इन कॉमन स्टैटिक स्फेरिकल पोटेंशियल। न्यूक्लियंस मूव इंडिपेंडेंटली इन डिस्टॉर्डर्ड स्फेरिकल पोटेंशियल। न्यूक्लियंस आर हेल्ड इन इक्विलिब्रियम अंडर सिमेट्रिक न्यूक्लियर फोर्सेस और न्यूक्लियंस आर कॉन्टीन्यूअस एनर्जी स्टेट्स। तो यहाँ पे
न्यूक्लियॉन्स कॉन्टीन्यूअस एनर्जी स्टेट्स नहीं होते, दे आर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स विच वी कैन से क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स। एंड जो इसका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए। यहाँ पे हमें पता है कि ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल है, सो न्यूक्लियॉन्स मूव इंडिपेंडेंटली एंड दे मूव इन अ कॉमन स्टैटिक स्फेरिकल पोटेंशियल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द अदर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियॉन फील्ड्स अ पोटेंशियल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द रिमेनिंग न्यूक्लियॉन्स। सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पिन एंड पैरिटी ऑफ कार्बन 8-12 अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल इज। तो यहाँ पे हमें इसकी स्पिन पैरिटी बतानी है और हमें यहाँ पे पता है कि जेड इज इक्वल टू 8 है एंड एन इज इक्वल टू 4 है। इट इज एन इवन इवन न्यूक्लियस और अभी तक हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो इवन इवन न्यूक्लियस है इट ऑलवेज हैज दिस जेपी वैल्यू, टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 एंड पैरिटी इवन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द शेल मॉडल वी हैव द शेल मॉडल के अंदर कौन सी इंट्रैक्शन होती है, प्रोटोन प्रोटोन इंट्रैक्शन है, जहाँ प्रोटोन न्यूट्रॉन इंट्रैक्शन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंट्रैक्शन है, या स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन है। तो इसका आंसर डी आएगा, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन हम एज्यूम करते हैं इन द शेल मॉडल। सो अगर हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं आफ्टर दैट वी गेट ऑल द मैजिक नंबर्स। अगर इसको कंसिडर नहीं करते देन वी गेट ओनली फर्स्ट 3 मैजिक नंबर्स एंड आफ्टर असम्पशन कि देर इज स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन इन द न्यूक्लियॉन्स, तो उसके बाद सारे मैजिक नंबर्स रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर्स आर। हमें पता है कि जो न्यूक्लियाई का जेड या एन मैजिक नंबर के इक्वल होता है दे आर स्टेबल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ शेल मॉडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और मैंने जितने मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं शेल मॉडल के ऊपर वो इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शेल मॉडल में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, जो स्पिन पैरिटी वाला है मैक्सिमम वो क्वेश्चन आता है। नेट के एग्जाम में भी आता है, गेट में भी आता है, और भी जितने एग्जाम आप ले लो, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.